अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप चाहते हैं यार मैं पंच होल फोन यूज करके देख लूं और प्राइस है आपकी कम, तो डेफिनेटली आप टेक्नो कैमन 12 परचेस कर सकते हैं, जिसके अगर हम प्राइस की बात कर लें तो जस्ट आपको 19,500 देखने को मिलती है। अगर हम की हाईलाइट्स की बात कर लें तो सबसे पहले अगर हम डिस्प्ले को देखें तो 6.5 इंच का आपको एक बड़ा पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, यानी कि आपका जो कैमरा है आपको टॉप कॉर्नर पर देखने को मिलेगा और कोई नॉच देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा इसके अंदर आपको 4GB रैम, 64GB मेमोरी देखने को मिल जाती है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम इसकी बैटरी को देखें तो आपको 4000 एमएएच की लार्ज बैटरी देखने को मिलती है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती। मीडियाटेक P22 का इसके अंदर प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 720 को सपोर्ट करती है। ओवरऑल फोन काफी बेहतर बनाया गया है, क्योंकि जो प्राइस है इस प्राइस में आपको कोई भी फोन पंच होल के साथ देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली महंगे फोन जो होते थे आपको वही पंच होल डिस्प्ले के साथ देखने को मिलते हैं। सो मार्केट में अब टेक्नो कैमन 12 ये चीजें आपको कम रेंज में प्रोवाइड करेगा। अगर मेरी ओपिनियन पूछेंगे तो यार डेफिनेटली आपको मार्केट में इस प्राइस रेंज में परफॉर्मेंस के लिहाज से बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगी, बट वहां पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह आपको एक बड़ा 6.5 इंच का डिस्प्ले कम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। सो अगर आप चाहते हैं कि बड़ा डिस्प्ले आपको देखने को मिले डेफिनेटली ये फोन अच्छा है, बट आप चाहते हैं यार आपको परफॉर्मेंस के लिहाज से थोड़े ऑप्शन ज्यादा देखने को मिले तो आप थोड़े से कुछ और वेरिएंट्स जो हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट प्राइस के लिहाज से ये जो फोन है बहुत ही जबरदस्त है। आप ही क्या है फीडबैक इस फोन के हवाले से नीचे जरूर आके कमेंट करें। अगर आप कंफ्यूज है फोन कौन सा लें तो digital.com का विजिट करें, हम आपकी हेल्प करते हैं आपका फोन लेने के हवाले से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।